अपनी जिद को पूरा करने के लिए आयशा खान ने ये भी चाल रच दी। अब मैंने आपको कुछ देर पहले ये चीज़ बताई थी कि भाई मुनावर फारूकी अब उस तरीके से पैम्पर नहीं कर रही हैं आयशा खान को, जो आयशा खान को पसंद है। आयशा खान को कहीं ना कहीं ठेस लगी जा रही है कि मुनावर आखिरकार इस तरीके का रिएक्ट क्यों कर रहा है, वो सडनली बदल चुका है। वो आखिरकार क्यों बदला है, बहन तेरी वजह से बदला है, और किसी की चीज़ों से क्यों नहीं बदलेगा। और वैसे भी उसको गेम खेलनी है तुम्हारे पीछे, वो एक हफ्ता दो हफ्ते जो है वो पीछे पीछे चलता रहा, तुमने हमेशा उसको गिल्ट ट्रिप में डालती रही डालती रही डालती रही, जिसके कारण मुनावर दिमाग के साथ खेली, मुनावर की जनता के दिमाग के साथ खेली, जहां पर जनता का पिस्ड ऑफ हो गया दिमाग। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि मुनावर के परांठे जो है गायब हो चुके हैं, अंकिता के परांठे जो है गायब हो चुके हैं, तो वहीं पर आयशा जो है दो तीन बार बोलती कि मुनावर मैं परांठा खाऊंगी नहीं, मैं रख दूंगी परांठा, तुम एटलीस्ट ये परांठा खा लो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही परांठा है। तो अब जो है ये बातें उसने मना कर दी, तो मुनावर बोलता है कि जा अंकिता को, अंकिता के पास परांठा नहीं है, जा उसको दे दिया देना है। तो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद अंकिता के पास ऑलरेडी दो परांठे होते हैं, तो अंकिता को बोलती है कि देखो मुनावर ने जो है ना आप ले लो परांठा। तो वहां पर अंकिता का भी यही कहना है कि भाई मेरे पास तो है, तो बोलती है कि नहीं आप मुनावर को दे दो क्योंकि मुनावर मेरे हाथ से ले नहीं रहा। तो वहां पर किसी तरीके से जो है अब पहुंचा दिया है अंकिता के हाथ से मुनावर को एक रोटी। अगर ये एक परांठा पकड़ा दिया है, भिजवा दिया है, अगर ये प्यार मोहब्बत से बात करती और सच में अगर केयर रहता, प्यार मोहब्बत तो भाई दूर की बात है वो तो करती रहती है, अगर सच में एक केयर रहती है, एक कंसर्न रहता, तो वो चीज़ जो है मुनावर को भी फील होती डेफिनेटली, और मुनावर भी लेते। मैं क्यों ये चीज़ बोल रही हूँ कि जैसे ही अंकिता आई, अंकिता ने जो है अपने हाथ में परांठे रखे हुए थे, अंकिता ने एक बाइट लिया और वहां पर परांठा जो है वो रख दिया, बोली खा ले खा ले फटाफट और मेरे पास ये है, और चली गई। मुनावर ने आराम से वो परांठा ले लिया और आयशा का वो परांठा नहीं लिया। मुनावर को तो अपने हक का खाना था ना, पर मुनावर आखिरकार अंकिता के हाथ का क्यों ले गए, आखिरकार आयशा के हाथ का क्यों नहीं लिया। ये जिद थी कि भाई उसके पास परांठा पहुंचाना है, और पहुंचा ही दिया इस बंदी ने। दिमाग जो है इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।